हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ का ईवीएस का आपका चैप्टर अक्रॉस द वॉल। सो इसके जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आपके उस चैप्टर से क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, वो आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स हैं। अ गेम, गेम क्या होता है? अ गेम इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन यूजली फॉर एन्जॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन। जो हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए, मस्ती करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए खुद को खेलते हैं, उसे हम एक गेम बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स प्लेजर एंड एक्साइटमेंट एंड डेवलप आवर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एबिलिटीज़। और ये क्या करता है, हमें प्लेजर देता है, यानी कि खुशी देता है, हम खुश होते हैं, एक्साइट होते हैं, और हम जो है अपनी फिजिकल, मेंटल और सोशल जो एबिलिटीज़ होती हैं, उन सब चीज़ों को डेवलप करते हैं, यानी कि उनमें इन्हांस करते हैं, उन्हें उनको थोड़ा सा मीन्स स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स टीच कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट, टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द टीम मेंबर्स। अब गेम, स्पोर्ट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, अगर आप टीम में खेल रहे हैं तो टीम स्पिरिट आती है कि हम सब एक ही टीम है, यानी कि एक ही इंसान है, तो सबको मिलकर खेलना है, एक दूसरे को माफ़ करना, गलतियों को जो है माफ़ी, अगर आपसे खुद से गलती हुई है तो दूसरे से माफ़ी मांगना, एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना कि इस चीज़ में थोड़ा सा वीक है तो उसे उसके अलावा दूसरे काम देना, अगर ये उसकी स्ट्रेंथ है तो उसे वो काम ज़्यादा देना, तो इस तरह की चीज़ें हमें उसमें सीखने को मिलती हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब डिफरेंस क्या है? सो अ गेम इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन यूजली फॉर एन्जॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन, जो इसलिए की जाती है फॉर सिर्फ रिलैक्स करने के लिए, खुद को मस्ती करने के लिए, उस तरह वो होता है गेम। स्पोर्ट क्या होता है? स्पोर्ट्स अ गेम इन विच अ पर्सन और अ टीम कम्पिट्स अगेंस्ट ईच अदर अनदर पर्सन और टीम इज कॉल्ड स्पोर्ट्स। और गेम क्या होता है? जब कोई एक टीम या कोई एक पर्सन दूसरे इंसान के साथ कम्पीट करता है, यानी कि कंपटीशन टाइप में जब वो गेम जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स। नाउ इंडिविजुअल गेम्स और टीम गेम। इंडिविजुअल गेम क्या है? जब हम अकेले उस टीम के पार्ट होते हैं, यानी कि अकेले ही वो गेम खेलते हैं। द गेम इन विच अ सिंगल प्लेयर प्लेज अगेंस्ट अनदर सिंगल प्लेयर, जिसमें एक सिंगल प्लेयर दूसरे सिंगल प्लेयर के अगेंस्ट खेलता है, डेट इज़ कॉल्ड एन इंडिविजुअल गेम, यानी कि वो सिंगल गेम है अकेले इंसान के लिए। टीम गेम, द टीम गेम इन विच अ टीम ऑफ प्लेयर प्ले अगेंस्ट अनदर टीम ऑफ प्लेयर। अब इसमें क्या होती है, दो टीम्स होती हैं। अब देखो इसमें सारे ऑरेंज है और एक ये बाकी वाइट वाले हैं, तो कुछ ऑरेंज कुछ वाइट, मीन्स इस तरह से दो टीम होती हैं उसमें। और जब ये दोनों टीमें एक दूसरे की अपोजिशन में खेलती हैं, यानी कि एक दूसरे से कम्पीट करती हैं, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं? टीम गेम। नाउ व्हाट इज मीन्ट बाय टीम स्पिरिट। अब टीम स्पिरिट क्या है? सो फर्स्ट विल बी एवरी प्लेयर इज़ अ पार्ट ऑफ अ टीम, हर एक प्लेयर जो टीम का पार्ट है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि इसे खेलना नहीं आता, ये इस चीज़ में वीक है तो इसे हम टीम में नहीं लेंगे। नो, एवरीवन, एवरी प्लेयर इज़ अ पार्ट ऑफ अ टीम। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन अ टीम एंड कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट टुवर्ड्स द गोल। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझना एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को टीम में, और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेशन करके चलना, क्योंकि जब आप टीम में हैं तो जब तक आप एक साथ नहीं चलेंगे आप अपने किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, आपकी टीम को जीतने में बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप ऐसे नहीं करते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे की सब चीज़ों को जानना, पहचानना और उसके अकॉर्डिंग काम करना। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड टैलेंट, टीम इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। वो ये नहीं है कि सिर्फ अपने ही दिखाने की, हाँ टीम में हूँ लेकिन मैं ही खेलूँगा, मैं ही सब करूँगा, नहीं। कोई भी पर्सन, कोई भी जो टीम मेंबर होता है, टीम प्लेयर होता है, वो ऐसा नहीं करता। वो उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि मेरी टीम, हमारी टीम, ये हमारी टीम है और मैं इस टीम का जस्ट अ मेंबर हूँ, तो मुझे सिर्फ काम हमारी टीम के लिए करना है, मेरे लिए नहीं। नाउ नेम फोर टीम गेम्स, जो टीम वाले गेम्स होते हैं उनके नाम, क्रिकेट, बास्केटबॉल, खो खो एंड कबड्डी, फुटबॉल, बहुत सारे गेम हैं, तो आप कोई और भी लिख सकते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड कैप्टन, अगर कोई बहुत अच्छा कैप्टन है तो उसकी क्वालिटीज़ क्या होंगी? सो कैप्टन इज़ द हेड ऑफ द टीम, सबसे पहले वो हेड होता है किसी भी टीम का, ही और शी कोई भी हो सकता है। शुड बी ट्रस्टवर्दी, डेडिकेटेड, पैशनेट एंड फोकस्ड, उस पर विश्वास किया जा सकता है, वो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट होता है, ये नहीं कि अरे चल बाद में कर लेंगे, इस तरह की नहीं होना चाहिए। मत वो हमेशा फोकस रहना चाहिए कि हमें इस तरह से काम करना है, सबको एक साथ जो लेकर चलता है। और ही और शी शुड बी काम, टोलरेंट एंड कंपेयर्ड इन ऑल सिचुएशन, वो ये नहीं कि हर चीज़ पर लड़ाई करे, गुस्सा करे, नहीं, उसे काम रहना है, टोलरेंट। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि उसे चीज़ों को टोलरेट करना पड़े कि मतलब गलत हो रहा है, फिर भी शायद उसे सुनना पड़े, लेकिन मीन्स कभी कभी हो सकती है ऐसी सिचुएशन, तो उसे उन सिचुएशन को कामली हैंडल करना है, यानी कि अगर गलत कर रहे हैं तो गुस्सा करें, नहीं, आपको उन चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना है। आप गलत है वो चीज़
तो आप बोलिए, लेकिन कामली, ठंडे दिमाग से, शांत होकर, गुस्से में उन्हें उन चीज़ों को नहीं बताना है। ही और शी शुड हैव अ फेयर एटीट्यूड टुवार्ड्स एवरी टीम मेंबर। उसे पार्शियल नहीं होना चाहिए कि ये टीम मेंबर अच्छा खेलता तो मैं इसे ही लूँगा या इसे ही रखूँगा, ये मेरा फ्रेंड है तो इसको लूँगा, नहीं। वो क्या होना चाहिए, फेयर एटीट्यूड होना चाहिए, यानी कि सबको इक्वली ट्रीट करें। ही और शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर इन देयर कमिटमेंट टुवार्ड्स एक्सीलेंट। और वो अपने गेम में इतना अच्छा होना चाहिए कि दूसरे उसको एक एग्जाम्पल की तरह ले कि मुझे इसके जैसा बनना है। हाउ फार हैव गर्ल्स एक्सेल्ड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। लड़कियाँ जो है कहाँ तक गई हैं, तो ये जैसे साइना नेहवाल है, और सॉरी, ये सानिया मिर्जा है, देन साइना नेहवाल है, और ये जो है अंजू बॉबी जॉर्ज हैं। तो इन सब ने लोग जो है हर एक गेम खेले हैं यहाँ पर। नाउ डेज सिंगल गर्ल्स सॉरी गर्ल्स आर इंक्रेज टू डेवलप देयर स्किल्स इन ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। इन सर्टेन गेम्स गर्ल्स हैव प्रूव दैट दे आर बेटर देन बॉयज़। तो आजकल लड़कियां भी जो है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, और कई जगह उन्होंने ये भी प्रूव किया कि वो लड़कों से बहुत अच्छी हैं। जैसे अंजू बॉबी जॉर्ज हैज़ वोन मैनी चैम्पियनशिप इन वुमेन एथलीट्स। तो वुमेन एथलीट्स में उन्होंने बहुत सारी जीती हैं। नाउ ये जो है जोशमा है और अंजलि भागवत, ये जोशमा है, अंजू बॉबी जॉर्ज नहीं है, जोशमा है, और ये जो है अंजलि भागवत है, ये साइना नेहवाल हो गई, ये सानिया मिर्जा हो गई। तो सानिया मिर्जा इन टेनिस, साइना नेहवाल इन बैडमिंटन, अंजलि भागवत इन पिस्टल इवेंट, एंड जोशमा चिनप्पा इन स्क्वैश। ओके, सो ये आपकी जोशमा हो गए, ये जोशमा है, और ये जाशिमा है जो शूटिंग में जो रहते हैं। सो जोशमा जो स्क्वैश में है, स्क्वैश में क्या होता है, मतलब टेनिस की तरह, बैडमिंटन की तरह उसमें बोल होता है, लेकिन वो एक रूम के अंदर ही होता है। हैज़ मेड अ ग्रेट नेम फॉर देमसेल्फ। सो इन्होंने इन चीज़ों में अपना नाम बनाया है। नाउ वट क्वालिटीज शुड वी डेवलप वाइल प्लेइंग गेम्स। अब गेम खेलते हुए हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो वी मस्ट डेवलप द फॉलोइंग क्वालिटीज़ वाइल प्लेइंग गेम्स। डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, जेनस्ट्री, टीम स्प्रिट, कॉन्फिडेंस, पेशन, ऑनेस्टी, टोलरेंस, पोलाइटनेस एंड फ्रेंडलीनेस। सो ये सब चीज़ें होनी चाहिए कोई भी गेम खेलते हुए, चाहे वो टीम में हो या सिंगल गेम हो। वाई डू वी प्ले गेम्स, हम गेम क्यों खेलते हैं। सो वी प्ले गेम्स फॉर मैनी रीजन्स। इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज है। वी डेवलप अवर कॉन्फिडेंस आता है हमें। वी बिकम मोर डिसिप्लिन इन अवर लाइफ, और लाइफ में बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं। वी चैनलाइज अवर मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी इन अ मोर पॉजिटिव मैनर। और हम जो है अपनी मेंटल और पॉजिटिव एनर्जी, फिजिकल एनर्जी को पॉजिटिव वे से लेते हैं, यानी कि फालतू की जो चीज़ें होती है वो हम नहीं सोचते हैं। वी बिकम फ्रेश एंड एक्टिव, फ्रेश और एक्टिव हो जाते हैं। वी आर एबल टू डू मोर वर्क, और हम जो है ज़्यादा काम करने के एबल भी हो जाते हैं, क्योंकि गेम खेलने से या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारी बॉडी बहुत एक्टिव हो जाती है, तो हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। ड्रॉ द बास्केटबॉल कोर्ट एंड राइट द बेसिक रूल ऑफ अ बास्केटबॉल। तो ये बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, अब इसके बेसिक रूल क्या हैं। सो रूल टू प्ले द बास्केटबॉल, द गेम इज प्लेड विद टू टीम्स, दो टीम होनी चाहिए। ईच प्लेयर कंसिस्ट ऑफ, ईच टीम आएगा यहाँ पर, ईच टीम कंसिस्ट ऑफ फाइव प्लेयर्स ऑन द कोर्ट एट अ टाइम। एक टीम के जो है पांच प्लेयर होने चाहिए एक कोर्ट में। टीम स्कोर बाय शूटिंग द बास्केटबॉल थ्रू द हूप। तो इनका ये जो हूप होता है यहाँ पर जो लगा हुआ है, इसके अंदर इन्हें जो है बास्केट डालनी होती है, तो उनका गोल होता है या स्कोर होता है। द हूप इज एन 18 इंच सिलेंडर अटैच्ड टू द बैकबोर्ड। एक बैकबोर्ड होता है, उसके ऊपर इस तरह से एक बड़ा सा बोर्ड होता है, उसके ऊपर उनका हूप लगा होता है, तो उसके अंदर, और जो 18 इंच पर होता है उसके अंदर उन्हें बॉल डालनी होती है। ईच टीम ट्राइज टू प्रिवेंट इट्स ओपोनेंट फ्रॉम स्कोरिंग बाय आइदर स्टीलिंग द बॉल और ब्लॉकिंग एन अटेम्प्टेड शॉट। तो हर दूसरी टीम जो है दूसरे वाली टीम को, जो उनकी अपोजिट टीम है, उसको स्कोर करने से रोकती है, या तो उनसे बॉल छीन लेती है, या फिर अगर उन्होंने बॉल स्कोर के लिए डाल दी हो जाती है तो उसको ब्लॉक करती है। द बॉल इज मूव डाउन द कोर्ट बाय आइदर पासिंग इट टू अ टीममेट और ड्रिबलिंग। तो आपको जो है बॉल अपने पास, अपने फ्रेंड के पास या अपने टीममेट के पास पास करनी है, तो आप जो है उसको मीन्स उछाल के पास कर सकते हैं, या ड्रिबलिंग करते हुए उसे दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। द गेम इज़ प्लेड फॉर 40 मिनट्स, 40 मिनट्स का होता है। इट फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर क्वार्टर्स, चार क्वार्टर में डिवाइड होता है। ईच टीम विल प्ले फॉर 10 मिनट्स, और कितनी देर के लिए खेलते हैं वो 10 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पर बास्केटबॉल की कुछ पिक्चर्स हैं आपको दिखाई हैं। सो ये था आपका चैप्टर अक्रॉस द बॉल के क्वेश्चन आंसर, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, उसके जो बुक के क्वेश्चन आंसर वो ऑलरेडी हमने कर लिए थे, सो ये कुछ एक्स्ट्रा हैं। अगर इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।